राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रालयातल्या कार्यालयात धनश्री सहस्त्रबुद्धे नावाच्या महिलेनं गोंधळ घालत नासधूस केली। या महिलेनं ही नासधूस का केली आणि ती फडणवीसांच्या कार्यालयात नेमकी का आली होती याचा किस्सा CNN न्यूज 18 च्या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतः सांगितला। संबंधित महिला मनोरुग्ण असल्याची माहिती पुढे येते आहे। तिच्या सोसायटीतल्या रहिवाशांनी तिच्या इमारतीतल्या राहण्यासंदर्भात सुद्धा विरोध दर्शवलाय। तर CNN न्यूज 18 च्या टाउन हॉल कार्यक्रमात फडणवीसांनी घटनेबद्दल काय म्हटलं आपण पाहूया। सलमान खान से शादी करनी है और उसका नंबर मुझे चाहिए, तो हमारे आशीष शेलार जी को मेरे भी ऑफिस में आकर मांगा। और वो सलमान खान के घर के सामने महिला बैठती थी, और अब क्या वहाँ ये विष्णु के कारण वहाँ बड़ी टाइट सिक्योरिटी हो गई है, तो वहाँ भी किसी को बैठने नहीं देते। तो उसको वो गुस्सा था कि ये पुलिस वाले क्यों भाई हमको यहाँ बैठने नहीं देते, और वो तो बड़ी बड़ी इतनी स्टोरियाँ सामने आई, तो शी इज़ मेंटली डिस्टर्ब। वो अभी जब उनके घर पर हमारे मीडिया वाले भी गए तो लोगों ने बताया कि ये चाकू लेकर घूमती है, हम लोग भी परेशान है। पर अब देखिए, कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो इसके ऊपर कानूनन भी क्या कार्रवाई करे, एक बड़ा प्रश्न होता है। तो हर जगह कोई कानून काम नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना को एक घटना समझ के छोड़ देना चाहिए।